हेलो एंड वेलकम बैक टू सिनॉप्सिस। माय नेम इज़ कृष्णा, दिस इज़ मी। इस लेक्चर सीरीज़ के माध्यम से टारगेट है हमारा जीएस में 450 प्लस और जीएस 4 में 120 एटलीस्ट मार्क्स होने चाहिए। तो जो सिलेबस का जो पहला टॉपिक है एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस, इसमें तीन टॉपिक हैं एसेंस, डिटर्मिनेंट्स एंड कॉन्सिक्वेंसेस। तो पिछले लेक्चर में हम एसेंस की बात कर चुके हैं, इस लेक्चर में हम बात करेंगे डिटर्मिनेंट्स ऑफ एथिक्स की। तो डिटर्मिनेंट्स और एसेंस और ये तीनों चीज़ें कैसे रिलेटेड हैं एक दूसरे से, यहाँ हमने बात की थी कि डिटर्मिनेंट एसेंस मतलब आप एग्जैक्टली चाह क्या रहे हो, व्हाट इज़ द रियल सेंस, सार क्या है उसका, व्हाट एग्जैक्टली द सब्जेक्ट इज़, उसको हम कहते हैं कि ये हमारा एसेंस है, रियल में आप क्या करना चाह रहे हो एथिक्स से, दैट इज़ एसेंस ऑफ एथिक्स। डिटर्मिनेंट्स मतलब फैक्टर्स हुए, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो उसको डिसाइड करेंगे, लास्ट में आते हैं आपके कॉन्सिक्वेंसेज। तो अगर हम फैक्टर्स की बात करें कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं, तो अगर हम डिटर्मिनेंस की बात करें तो डिटर्मिनेंस क्या होते हैं, सपोज़ मैं आपको एग्जांपल देके बताऊं, आपको एक एक्शन बी ये रिज़ल्ट चाहिए, ठीक है, ये एक रिज़ल्ट है, इस रिज़ल्ट के लिए आपको कौन से एक्शंस लेने पड़ेंगे, ठीक, कौन से आपके फैक्टर्स होंगे, ये फैक्टर्स को हम कहते हैं डिटर्मिनेंट्स। तो अगर ए है तभी बी होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको सबसे ज़्यादा जो आपके दिल के पास है आईएएस एग्ज़ामिनेशन, अगर ये आपका रिज़ल्ट है, आपको आईएएस बनना है, ठीक है, तो आपको करना क्या पड़ेगा, डिटर्मिनेंट्स क्या होंगे, आपको बुक रीडिंग करनी पड़ेगी, ठीक है, आपको कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में जाना पड़ेगा, ठीक है, कि जो कॉम्पिटिशन मार्केट में है, जो बाकी लोग पढ़ रहे हैं, उसके अलावा आपको कुछ पढ़ना पड़ेगा, बट नॉट दी फालतू चीज़ें, गार्बेज मटेरियल नहीं पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, आपको ऑप्शनल ढंग से पढ़ना पड़ेगा। तो ये सब डिटर्मिनेंट्स हैं, फिर आपको एग्ज़ाम में जाके वो चीज़ें रिप्लीकेट करनी पड़ेगी, तभी आप किसी चीज़ की एक्सपेक्टेशन रख सकते हो। तो ये डिटर्मिनेंट्स हुआ। डिटर्मिनेंट्स में कई बार हम जैसे ज्योग्राफी है, वहाँ पर होता है डिटर्मिनिज्म, ठीक है, जो 12th क्लास की NCERT है उसमें डिटर्मिनिज्म एक टर्म है। डिटर्मिनिज्म का मतलब होता है ए डिटरमाइंस बी, मतलब जैसे इसको मैं एग्जांपल से बताऊं, ठीक है, नेचर डिटरमाइंस ह्यूमन, नेचर जब सुप्रीम हम कंसीडर करते हैं तो ये आपका इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म की तरह कंसीडर होता है, ठीक है, नेचर जैसा चाहेगी ह्यूमन वैसा होगा। जैसे अगर मैं बात करूं एशिया की, तो एशियन पीपल जो आपके चाइनीज़ हैं वो येल्लो होते हैं, साउथ एशियन ईस्ट एशियन पीपल आपके येल्लो होते हैं, साउथ एशियन पीपल आपके ब्राउन हो सकते हैं, अफ्रीकन पीपल को लोग ब्लैक कहते हैं, यूरोपियंस को लोग वाइट कहते हैं, तो ये रेशियल डिटर्मिनिज्म है, ठीक है, तो ये हुए डिटर्मिनेंट्स। तो अब हमें बात करनी है डिटर्मिनेंट्स ऑफ एथिक्स, एथिक्स को क्या क्या चीज़ें डिटरमाइन कर सकती हैं, एथिक्स मतलब नीति शास्त्र, जो नीतिगत बातें हैं उनको डिटरमाइन कौन करेगा। तो इसका मतलब अगर आप डिफ़ाइन करना चाहो, देखो GS 4 में ना एक बार जैसे आपने देखा होगा हैप्पीनेस पूछ लिया था, आपके अकॉर्डिंग हैप्पीनेस क्या है, तो GS 4 में जो ये टर्म्स हैं आपको ये बहुत क्लियर होनी चाहिए। लेकिन जो प्रॉब्लम है GS 4 में लोगों के मार्क्स नहीं आते हैं, या विद टाइम ग्रेजुअली मार्क्स डिक्रीज़ हुए हैं, और आप 2019 में भी देखना जो रिज़ल्ट आया GS 4 के मार्क्स ऑब्वियसली बात है रिड्यूस हुए ही होंगे, आने वाला रिज़ल्ट 2-3 दिन में मार्क्स आ जाएंगे, ठीक। तो उसका रीज़न क्या है, लोग बस सिर्फ इतना एक ये लाइन पढ़ के चले जा रहे हैं डिटर्मिनेंट्स का मतलब क्या है, भाई नीचे और भी कंटेंट है, चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी तब जाके आप लिख पाओगे, कम से कम इतना तो आना चाहिए, ठीक है। तो खैर टॉपिक पर वापस आते हैं, डिटर्मिनेंट्स ऑफ एथिक्स मीन्स फैक्टर्स इन ह्यूमन बिहेवियर जो ये डिटरमाइन करें क्या गुड है या क्या बैड है। गुड और बैड क्या होती है, एथिक्स, एथिक्स या नीति आपको यही बताती है ना, राइटियसनेस और रॉन्गफुलनेस, क्या अच्छा है क्या बुरा है, उसी को हम एथिक्स कह रहे हैं। उसके जो फैक्टर्स हैं वो ये हैं। तो ये तो बेसिक डेफिनेशन आप ये टर्म पढ़ के ही लिख सकते हो। तो इस टॉपिक से अगर क्वेश्चन आएगा तो सीधे सीधे शॉर्ट नोट टाइप आ सकता है। तो ये तीन मेन चीज़ों पर डिपेंड करता है कि क्या चीज़ें एथिक्स को डिटरमाइन करेंगी। पहली चीज़ इंडिविजुअल पर्सन, दूसरा कल्चर या कंट्री, तीसरा ऑर्गेनाइजेशन को मैं समझाता हूँ। इंडिविजुअल पर्सन की बात करते हैं, ठीक है, एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि सबसे पहले हम बात करते हैं इंडिविजुअल पर्सन, कल्चर और कंट्री की हम बात करते हैं, ठीक है। तो देखो इंडिविजुअल पर्सन, आपका ऑब्जेक्टिव क्या था, फ्रीडम, आज़ादी की टाइम की बात करते हैं, फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम की। दो पर्सनैलिटीज़ थी, एक आपके गांधी जी थे, दूसरा आपके नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, ठीक है। दोनों ही अंग्रेज़ों के सामने खड़े हो गए थे झंडा लेकर, एक डंडा लेकर और एक बंदूक लेकर, कि हम तुमको भगाएंगे। तो जो दोनों की एथिकल वैल्यूज़ हैं वो बहुत ही अलग थी। तो इंडिविजुअल पर्सन उस चीज़ को काफ़ी हद तक डिटरमाइन करता है। आप कितने भी अच्छे या कितने भी बुरे कल्चर में रह रहे हो, अगर आपकी वैल्यूज़
कुछ हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं जिनके ऊपर आप चलना जानते हो, तो फिर आप एथिक्स को डिटरमाइन कर सकते हो। आज की डेट का जो भारत है वो गांधी का और बोस का भारत है, ये आप देखो, समझना पड़ेगा आपको ये चीज़ें। इसके बाद कल्चर और कंट्री, दूसरी चीज़। फ्रीडम चाहिए क्यों थी लोगों को, क्योंकि हम आज़ाद नहीं थे। अंग्रेज़ जो ब्रिटिश थे वो हमारे ऊपर राज करते थे, तो फिर अल्टीमेटली हमें उनको भगाना था। तो ये कल्चर कैसा हुआ। फिर और कल्चर की अगर हम बात करें, यहाँ पर आपका रिलीजन हो सकता है। किसी कल्चर में अगर हम बात करें, नॉन वेज खाना अगर अलाउड नहीं है, जैसे जैनिज्म की बात करें, ठीक है, जैनिज्म में नॉन वेज खाना अलाउड नहीं है, तो फिर वहाँ पर एनिमल किलिंग एक अपराध है बहुत बड़ा। बाकी जैसे हिंदुइज्म है, इस्लाम है, क्रिश्चियनिटी, वहाँ नॉन वेज आप खा सकते हो, तो फिर एनिमल किलिंग उतना बड़ा अपराध नहीं है जितना जैनिज्म में है। तो कल्चर इस चीज़ को डिफ़ाइन करता है, कंट्री डिटरमाइन करती है, कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन जिसे हम लॉ ऑफ द लैंड लोल कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन सबसे बड़ा लॉ है, वो इस चीज़ को डिसाइड करता है एथिक्स को। इसके बाद ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, जैसे मैं आपको ये बताऊँ कि एक ऑर्गेनाइजेशन, आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में काम कर रहे हो, आप हो सकता है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस में काम कर रहे हो, या फिर आप काम कर रहे हो रेलवेज़ में, यू आर वर्किंग फॉर गवर्नमेंट, दोनों ही चीज़ में। लेकिन आपकी जब डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस में आप काम कर रहे हो, तो आपकी वैल्यूज़ डिफरेंट होंगी, आपकी एथिकल प्रिंसिपल्स डिफरेंट होंगे, मोरालिटी आपकी हो सकता है एक अलग टाइप की हो जाए। वहाँ पर वैल्यूज़ में आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी मैटर करेगी, ठीक है, क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन आपको बना के रखनी है। रेलवेज़ में आपको पब्लिक को सर्व करना है। अब स्पेस में बैठ के आप मंगल पे तो डेली लोगों को ले नहीं जा रहे हो ना, तो ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड करती हैं, ऑर्गेनाइजेशन ये डिटरमाइन करती हैं कि किसी कल्चर में लोगों की वैल्यूज़ क्या होंगी। तो एथिक्स को डिटरमाइन करने में ये तीन फैक्टर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक इंडिविजुअल पर्सन, अब आप हमेशा एक चीज़ देखोगे ना, इंडिविजुअल पर्सन सबसे ऊपर आता है, चाहे कितना भी अच्छा या बुरा ऑर्गेनाइजेशन क्यों ना हो, चाहे कितनी अच्छी बुरी कल्चर हो, या फिर कितना ही अच्छा या बुरा कंट्री क्यों ना हो, एक इंडिविजुअल पर्सन है जो चीज़ों को ड्रास्टिकली चेंज करने का मादा रखता है। तो सबसे बड़ा जो डिटर्मिनेंट होता है वो आप खुद होते हो, आप खुद से पूरा कल्चर चेंज कर सकते हो। इसके अलावा जो ये लिखा हुआ ना, यहाँ जो एक एक टर्म है, इन पर आप पूरा पूरा पैराग्राफ लिख सकते हो, तो ये मैंने शॉर्ट में आपको बता दिया है, बट आपको जब भी पढ़ोगे तो इनको आप बहुत डिटेल में पढ़ोगे। जो एथिक्स है वो डिटरमाइन होती है वैल्यू सिस्टम से। जैसे वैल्यू सिस्टम की बात करें, तो एक जो आपका सीधे सीधे आप अंडरवर्ल्ड की बात कर लेते हैं, ठीक है, अंडरवर्ल्ड की बात करते हैं, और दूसरा आपका एक कहीं और स्कूल की बात कर लेते हैं, ठीक है, प्राइमरी स्कूल जो फर्स्ट से फिफ्थ तक की एजुकेशन देता है, इसकी वैल्यू सिस्टम अलग हो सकती है, इसकी वैल्यू सिस्टम अलग हो सकती है, ठीक है। जो एथिक्स है वो इन दोनों ही सोसाइटीज़ के लिए अलग है, अंडर WORLD अंडरवर्ल्ड के लिए अलग हो सकती है एथिक्स, और स्कूल के लिए अलग हो सकती है। इनकी एथिक्स है कि भाई नेगेटिव काम करके, जिन्हें आप इन जनरल नेगेटिव कहते हो, उससे पैसा कमाना, बट ये उनके लिए नेगेटिव नहीं, उनकी वैल्यूज़ ही वैसी है। तो उनके जो डिटर्मिनेंट्स हैं वो अलग होंगे। जैसे इनके वैल्यू सिस्टम में किडनैपिंग आएगा, ठीक है, इनके वैल्यू सिस्टम में डकैती आएगा, डकैती को रॉबरी कहते हैं, ठीक है, इस टाइप के आएंगे, ठीक है, और रैनसम्स आएंगे, ठीक है, रैनसम मांगेंगे, ठीक, अटैक करेंगे, मर्डर करेंगे, इस टाइप की चीज़ें। स्कूल की जो वैल्यू सिस्टम है वहाँ पर आपका डिसिप्लिन आएगा, ठीक है, नेशन के बारे में बात करना आपको सिखाई जाएगी स्कूल के वैल्यू सिस्टम में। एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन आएगी। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि वैल्यू सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड करता है और वेरी भी करता है। इसके बाद हम बात करते हैं एजुकेशन लेवल। जैसे एजुकेशन लेवल की अगर हम बात करें, तो एजुकेशन लेवल और रिलीजन दोनों को हम रिलेट करके देखते हैं, जो अगला पॉइंट है, एजुकेशन और रिलीजियस बिलीफ। जैसे आप ये देखो कि आप जो इन जनरल आपका जो पर्सपेक्टिव है कि इंडिया में जो हिंदुइज्म है लोअर कास्ट है, ठीक है, या फिर जो मुस्लिम्स हैं वहाँ पर एजुकेशन या विमेन एजुकेशन कम है, लेकिन आप यही देखो कि इन्हीं लोअर कास्ट में या इस्लाम में जो बहुत अच्छे लोग हैं, अच्छी फैमिलीज़ है, बहुत ही अच्छी फैमिली से आते हैं, उनके एजुकेशन लेवल बहुत अच्छा है, वुमेन इक्वालिटी, रेस्पेक्ट, एवरीथिंग इज़ देयर। तो रिलीजियस बिलीव्स अगर आप आंख बंद करके फॉलो करते हो तो आपकी वैल्यूज़ अलग होंगी, अगर आप ओपन हो चीज़ों के लिए तो फिर आपकी वैल्यूज़ अलग होंगी। एजुकेशन लेवल, एक पढ़े लिखे इंसान की वैल्यूज़ अलग हो सकती हैं, उसके लिए एथिक्स अलग होगी, एक जो इंसान नहीं पढ़ पाया किसी वजह से, उसकी एथिक्स, उसकी वैल्यूज़ अलग होंगी। फिर लाइफ के एक्सपीरियंसेस से भी काफ़ी चीज़ें डिटरमाइन होती हैं विद टाइम। आप देखते होंगे कि लोग कहते हैं ना आपको कि यार तुम तो बहुत बदल गए हो, ठीक,
तो बदल क्यों जाते हो आप? क्योंकि जो आपके लाइफ के पुराने एक्सपीरियंसेस थे, कहीं ना कहीं उससे आपको डिज़ायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिल रहे थे। अल्टीमेटली हमारा एम क्या है कि कॉन्सिक्वेंसेज आने चाहिए, वो भी अच्छे, ठीक है। तो हमको जो कॉन्सिक्वेंसेज चाहिए थे वो कहीं ना कहीं हमें मिल नहीं पा रहे थे, ठीक है। तो फिर हम उन एक्सपीरियंसेस के बेस पर चीज़ें करना सीखते हैं। तो ये जो काम है, ये है जो लॉरेंस कोहलबर्ग की थ्योरी है, वो इसी के ऊपर बात करती है कि एक्सपीरियंस से चीज़ें सिखाई जा सकती हैं। फिर वर्क कल्चर कैसा है उसके ऊपर भी काफ़ी चीज़ें डिपेंड करती हैं। इसके बाद हम बात करें अगर एथिक्स इन गवर्नेंस की, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। गवर्नेंस में एथिक्स कैसे डिसाइड हो सकती है, वहाँ की सोसाइटी से, किस तरह की सोसाइटी है उससे डिसाइड होगी, ठीक है। अगर रिलीजियस सोसाइटी है तो अलग होगी, ओपन सोसाइटी है तो अलग होगी। पॉलिटिकल सिस्टम में एथिक्स, पॉलिटिकल सिस्टम कैसे गवर्नेंस की एथिक्स को डिसाइड करती है, उस बारे में हम बात करते हैं एक बार। देखो, जैसे पॉलिटिकल सिस्टम अगर आप बात करो तो मेनली तीन तरह के हो सकते हैं। एक जो हो सकते हैं कैपिटलिस्ट, पूंजीवाद। दूसरे जो हो सकते हैं सोशलिस्ट, या जो कम्युनिस्ट टाइप के हो सकते हैं, ठीक है। कम्युनिज्म मतलब जो टिल टू मार्क्स, ठीक है, जो मार्क्स की फिलॉसफी को मानते हैं। तीसरे आपके मिक्स हो सकते हैं, ठीक। तो पॉलिटिकल सिस्टम वहाँ की एथिक्स को डिसाइड करता है। जैसे अगर आप इंडिया की बात करो तो इंडिया की जो एथिकल वैल्यूज़ हैं वो पहले सोशलिज्म पर बेस्ड थी। आपके कॉन्स्टिट्यूशन में अगर आप देखो जो SSSDR प्रीएम्बल में लिखा हुआ है, ठीक है, SSSDR क्या आप इमेजिन कर सकते हो? कैन यू गेस कि मैंने ये क्या कह दिया? प्रीएम्बल है ये, नाउ थिंक। तो वहाँ पर जो सोशलिस्ट वर्ड था वो बाद में ऐड किया गया। अल्टीमेटली इंडिया की जो एथिक्स है वो ये कहती है कि कोई भूखा ना सो पाए, कोई गरीब ना रहे। तो फिर सोशलिस्ट प्रिंसिपल अलग से पॉलिटिकल सिस्टम को डिटरमाइन करता है। जैसे आप इंडिया में देखो, सोशलिस्ट पार्टी में अगर आप देखो तो कांग्रेस पार्टी है, आम आदमी पार्टी है, ये लोग सोशलिज्म की जो टेंडेंसी है उसको फॉलो करते हैं। कैपिटलिज्म में क्या है, कैपिटलिस्ट को इस चीज़ से मतलब नहीं हो सकता कि मतलब कि कोई काम कर रहा है तो उसको पैसे मिले, जो काम नहीं कर रहा तो उसको भी पैसे मिले। कैपिटलिज्म इसके अगेंस्ट है। कैपिटलिज्म ये कहेगा कि जो काम नहीं कर रहा है, क्लास डिवाइड क्रिएट करो, उसको अगर खाना नहीं मिलता तो दैट इज़ फाइन। तो कैपिटलिस्ट जो होते हैं सीधे सीधे प्राइवेट प्रॉपर्टी के ऊपर काम करते हैं, ठीक है, कि आप खुद की प्रॉपर्टी बना सकते हो। एक अंबानी और एक रिक्शे वाले की प्रॉपर्टी अलग हो सकती है। तो इस पर अगर आप पॉलिटिकल टर्म्स में बात करो तो जैसे आपके NDA है या BJP, आप इनकी बात करते हो, तो इसीलिए लोग इनको कहते हैं कि पूंजीवादी सूट वूट की सरकार, इस वजह से ये कहलाती है। तो इनिशियली हम सोशलिज्म की तरफ थे, फिर 1991 के रिफॉर्म्स आए, आपकी कंट्री का पॉलिटिकल सिस्टम चेंज हुआ, तो आपकी जो एथिक्स है वो उसके डिटर्मिनेंट्स चेंज हो गए। अब आपके पास एक मिक्स कल्चर है, ठीक है। तो आप आज की डेट में देखते हो ना कि पहले सोशलिज्म की अगर हम बात करें तो सोशलिज्म आपकी मेनली गवर्नमेंट सेक्टर, गवर्नमेंट जॉब की तरफ ज़्यादा ध्यान देती है, कैपिटलिस्ट प्राइवेट जॉब की तरफ ध्यान देती है। तो आप अभी देख रहे हो कि विद टाइम जो डिसइन्वेस्टमेंट है वो सब चीज़ें चल रही हैं, ठीक है, कंपनीज़ के शेयर्स बेचे जा रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, तो ये इस वजह से है। तो इसकी जो स्टार्टिंग है जो आज दिख रहा है, ये 1991 के जो LPG रिफॉर्म्स थे उससे आए। तो कंट्री का पूरा पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है वो उस कंट्री के एथिक्स कैसे होंगे उसको डिफाइन करेगा। अगर अभी भी सोशलिज्म चल रहा होता है या जो सोशलिस्ट पार्टीज़ हैं वो डिसइन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट हैं, वो कहते हैं कि मतलब गवर्नमेंट जॉब्स होनी चाहिए, लेकिन जो इसके फेवर में है उनके एथिक्स अलग है, ठीक। इकोनॉमिक हो सकता है, एक अमीर आदमी की जो एथिकल वैल्यूज़ हैं वो अलग हो सकती है, गरीब आदमी की एथिकल वैल्यूज़ अलग हो सकती हैं, ठीक है। जुडिशियो लीगल, वहाँ की जुडिशरी कैसी है, लीगल सिस्टम कैसा है, कानून कैसा है। इंडिया में एथिक्स को डिफाइन करने के लिए जुडिशरी के पास जो सबसे बड़ी पावर है वो है Article 32 या Article 226। कमेंट सेक्शन में आई वुड लाइक टू सी कि ये क्या होते हैं, ठीक। तो अगर पॉलिटिकल सिस्टम में कुछ रॉन्ग भी हो गया है, सोशल सिस्टम में या इकोनॉमिक सिस्टम में कुछ रॉन्ग भी हो गया, तो फिर आपके पास आपके राइट्स हैं, आप सीधे जुडिशरी में जा सकते हो। जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है कि आप संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर नहीं चेंज कर सकते, वो कहीं ना कहीं इन आर्टिकल से भी अपनी पावर्स लेते हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों की प्रेजेंस से एथिक्स इन गवर्नेंस इंप्रूव होती है। फिर इसके बाद हम हिस्टोरिकल बात करें, हिस्ट्री वहाँ की कैसी है, उसके हिसाब से एथिक्स, गवर्नेंस की एथिक्स डिसाइड होगी। जैसे अभी USA की एथिक्स है, वहाँ पर एक अलग तरह की गवर्नेंस लोग चाहते हैं क्योंकि उनकी हिस्ट्री अलग है। UK में जो हिस्ट्री है उन्हें पता है कि हम लोगों पर शासन कर लेते हैं, तो वहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अनरिटन है। इंडिया में क्या है कि भैया हमें रूल चाहिए, जब तक लिखा नहीं होगा प्रूफ मांगते हैं लोग कि भैया लिखित में दो, रिटन में दो, तभी हम मानेंगे। तो आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन में है,
ठीक है, तो ये जो हिस्टोरिकल फैक्टर्स हैं वो भी गवर्नेंस में एथिक्स को बताते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट कल्चरल कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंट्री क्या क्या हो सकते हैं वो चीज़ें आपकी डिटरमाइन करती हैं। तो अगर हम मोटे मोटे टर्म्स में थ्योरीज के टर्म्स में बात करें या थिंकर्स के टर्म्स में बात करें, तो थिंकर्स जब आप चैप्टर पढ़ोगे तो वहाँ तीन टर्म्स आपको बार बार आएंगी, एटलीस्ट दो टर्म्स, मीन्स और एंड्स, ठीक है, सरकमस्टांसेस। जैसे अभी हमने यहाँ पर बात की गांधी और सुभाष चंद्र बोस की, जो बात की थी हमने, तो दोनों के जो एंड थे, एंड था उनका फ्रीडम, उनको फ्रीडम चाहिए थी, लेकिन मीन्स अलग थे। जो गांधी जी के जो मीन्स थे वो थे नॉन वायलेंस, सुभाष चंद्र बोस के थे कि भैया कल के दिन अगर इनको आपने बंदूक से नहीं उड़ाया तो ये भागेंगे नहीं, तो ये वायलेंट स्ट्रेटजी में बिलीव करते थे। तो मीन्स ये बताते हैं कि आप क्या रास्ता चूज़ करते हो या नहीं, इसके लिए जो होती है दैट इज़ डियोन्टोलॉजिकल एथिक्स, और वो है इमैनुअल कांट, वो इसकी बात करते हैं। डिटेल में हम पढ़ेंगे जब थिंकर्स की बात करेंगे, वहाँ हम मीन्स और एंड्स की बात करेंगे। एंड मतलब आपके एंड क्या है, मीन्स पर कांट ने अलग व्यूज़ दिए हैं, अरिस्टोटल, सोक्रेट्स और प्लेटो ने अलग व्यूज़ दिए हैं, और जो यूटिलिटेरियन पॉइंट ऑफ व्यू है वो अलग व्यूज़ देता है, तो इस बारे में हम फिर से देखेंगे। पर्पस बताता है कि आपके एंड्स क्या हैं, जैसे इसको आपके जो दिल के करीब है, सपोज़ आप IAS बनना चाहते हो, तो आपके लिए मीन्स क्या है, पढ़ना, अच्छा मटेरियल पढ़ना, अच्छी कोचिंग पढ़ना, अच्छी कोचिंग से पढ़ना, अच्छा कंटेंट पढ़ना, सेल्फ स्टडी में डिसिप्लिन्ड होकर पढ़ना, ये आपके मीन्स है। एंड क्या है, आपको IAS बनना है। एंड क्या हो सकता है, दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो वो एक्ट जो आपने कर दिया वही एक अपने आप में एक्ट है, दूसरा है कि आपका जो एंड है वो किसी और पर्पस के लिए जा रहा है। जैसे मैंने बात की स्लीपिंग की और रीडिंग टू बिकम IAS, तो एक बार बात करते हैं ये दोनों चीज़ों में कैसे एंड आपके डिफरेंट हुए, ठीक है। मैंने कहा स्लीपिंग, स्लीपिंग मतलब दिस इज़ एंड इन इट्सेल्फ, ठीक, मुझे सोना था और मैं सो गया, खत्म, सो के और कुछ नहीं, मैं इसलिए नहीं सो रहा हूँ कि मुझे सपने देखने या कुछ, नींद आ रही थी मैं सो गया, थकान लगी थी सो गया, दिस इज़ एंड इन इट्सेल्फ। दूसरा, मुझे IAS बनना है, ठीक है, उसके लिए एंड क्या है, आपको एथिक्स का लेक्चर देखना था, आपने ये लेक्चर देख लिया, स्टडी आपने कर ली, ठीक, तो अगर आपने स्टडी कर ली तो होने को तो ये भी आपका एक एंड है ना, लेकिन आपका जो एक्चुअल एंड है, जो आपका अल्टीमेट या पेन अल्टीमेट जो एंड है, दैट इज़ बिकमिंग IAS, मतलब जो पढ़ रहे हो वो भी आपका एक मीन है। तो आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि एंड या तो खुद में एक एंड हो सकता है, या जो आपका एंड पर्पस है वो एक मीन भी हो सकता है किसी और पर्पस के लिए, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इट कुड बी एंड इन इट्सेल्फ, या फिर आपका किसी और पर्पस को सर्व करने के लिए हो सकता है। फिर सरकमस्टांसेस आपके बताते हैं, फिर से हम इन्हीं दोनों की बात करते हैं, सरकमस्टांसेस, ठीक है। एलिमेंट और एनवायरनमेंट उस टाइम पे क्या था जब फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था, कि अंग्रेज थे, आज की डेट में अगर कोई नॉन वायलेंट सत्याग्रह करता है तो आप उसे गालियाँ दे देते हो, कई बार बहुत लोग सपोर्ट भी करते हैं, ऐसे अन्ना हजारे के मूवमेंट हुए, जो काम उस टाइम पर सुभाष चंद्र बोस ने किया वही आज के टाइम पर इंडिया में बहुत से सेपरेटिस्ट ग्रुप्स हैं, उन्हें आप टेररिस्ट की संज्ञा दे दो या आप कहते हो कि देश विरोधी ताकतें हैं, तो ये आपको देखना पड़ेगा कि सरकमस्टांसेस क्या हैं। आप हमेशा हर पॉइंट ऑफ टाइम पर सेम चीज़ें नहीं कर सकते हो, तो ये भी आपके तीन मेन डिटर्मिनेंट्स हैं एथिक्स के। तो अगर आपको थिंकर्स पॉइंट ऑफ व्यू में बात करनी है तो ये करो, इन जनरल GS 1, 2, 3, 4 से बात करनी है तो ये करो, और वैसे मतलब बेसिक जो डिटर्मिनेंट्स होते हैं मेनली, तो आपका आदमी खुद, कल्चर, और वो किस ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है वो है, ठीक। तो एथिकली अच्छा होने के लिए ह्यूमन एक्ट को ये तीनों चीज़ें सेटिस्फाई करनी चाहिए, मीन्स, एंड और सरकमस्टांसेस। अगर इसमें से कुछ भी मिसिंग है तो फिर आपके एक्शन एथिकली रॉन्ग हो जाएंगे। जैसे कि मैंने बात की, अगर सरकमस्टांसेस ये नहीं है कि इंडिया आज़ाद नहीं है, तो फिर आप किस चीज़ के लिए लड़ रहे हो, तो आपके मीन्स और एंड्स ही गलत हो गए, ठीक है। अगर आपके मीन्स ही कुछ नहीं है, जैसे बाकी जो मासेस थी वो कुछ नहीं करती थी, ठीक है, तो वो कहाँ से आज़ादी ले आएंगी, उनका एंड ना हो सकता है ना मीन हो सकता है। एंड पर्पस अगर आपका एंड ही ना हो तो फिर मीन्स का और सरकमस्टांसेस का क्या करोगे, आपको झगड़ा तो करना है, आपको नॉन वायलेंट तो रहना है, लेकिन आपको पता नहीं है क्यों होना है। तो इस वजह से ये तीनों फैक्टर एक साथ प्रेजेंट होना बहुत ही ज़रूरी है, अति आवश्यक है। तो आई थिंक कि ये लेक्चर जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ वो समझ में आया होगा। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एथिक्स इन ह्यूमन एक्शन। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। टारगेट हमारा यही है, 120 प्लस हिंदी मीडियम में जो लेक्चर हैं वो रीडेफ एजुकेशन पर अवेलेबल रहेंगे, सेम लेक्चर या फिर एथिक्स, तो वहाँ पर मैं ही पढ़ा रहा हूँ। बाकी दीज टू आर वेरी डिफरेंट ऑर्गनाइजेशंस, तो दिस इज़ द टेलीग्राम ग्रुप फॉर सिनॉप्सिस IAS, दिस इज़ फॉर ऑप्शनल, दिस इज़ फॉर दिस। तो लेक्चर में जैसा भी आपको लगे कमेंट करके आप बता सकते हो, लेक्चर अच्छा था, ख़राब था, जैसा भी था। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।